जहां एक ओर कोरोना महामारी जैसी आपदा में भी लोग अवसर तलाश रहे हैं, कभी ऑक्सीजन की कालाबाजारी करके तो कभी दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी से। लेकिन वहीं कुछ संस्था ऐसी भी हैं जो निस्वार्थ कोविड संक्रमित लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करा रही है और तत्पर उनकी सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में सबकी रसोई नामक संस्था है जो कोरोना महामारी में लोगों की सहायता के लिए दिन रात लगे हुए हैं। जो लोग संक्रमित हैं उन्हें अच्छे भोजन का प्रबंध करा रहे हैं। जो मरीज अपने घर पर ही आइसोलेट हैं उनके लिए संस्था घर घर खाने की थालियां भिजवा रही है। और यही नहीं, ये संस्था पिछले 3 सालों से लोगों को भोजन कराती आ रही है। जैसे कि कोविड में देख रहे थे, बहुत लोग परेशान हैं, जिनके घर में ऐसे कोविड के पेशेंट्स हैं तो उनके घर में खाना नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सुहेल भैया से बात करके हम लोगों ने ये सब स्टार्ट किया ताकि कोविड लोगों के लिए, कोविड के पेशेंट के लिए खाना पहुँचे। आप कितने लोग ऐसे मिलकर, आपकी तरह कितने ऐसे स्टूडेंट हैं मिलकर जो आप लोग करते हो इस तरीके? हमारी टीम 120 लोगों की है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं और मेनली सारे के सारे एक्टिव मेम्बर हैं। कोविड पेशेंट्स हैं उनको खाना पहुंचा रहे हैं, उनके जो हम घर में आइसोलेट हुए उनके घर, उनके पास भी, और जो जिनके जो साथ में मरीज के साथ हॉस्पिटल में आए उनको खाना नहीं मिल रहा उनके यहाँ पर भी पहुंचा रहे हैं। पहले हम ये सोच रहे थे खाना बिल्कुल फ्री में पहुंचाया जाए, बट कई लोग झिझक रहे थे लेने के लिए फ्री में, तो उसकी वजह से उनके कहने पर हम लोगों ने इसका 20 रुपये का मोल रखा है। 20 रुपये हम 4 रोटी, दाल, सब्जी, चावल और एक मीठा उनके साथ थाली में दे रहे हैं उन्हें पास करके। कोरोना महामारी के चलते लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है तो कहीं लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा। ऐसे में सबकी रसोई संस्था ने कोरोना संक्रमित लोगों को भोजन करने का जिम्मा उठाया। पिछले 3 सालों से ये 10 रुपए मात्र में लोगों को भरपेट भोजन का प्रबंध किया करते हैं। अब कोरोना महामारी के चलते संस्था ने मरीजों की सूची बनाकर उन्हें व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर लेकर खाना बनाकर उनके पास भिजवाते हैं। वहीं संस्था का कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्री में भोजन नहीं लेना चाहते तो वो अपने आप ही 10 या 20 रुपए दे देते हैं। लेकिन संस्था का कहना है कि हमारी तरफ से संक्रमित लोगों के लिए भोजन एकदम फ्री है। जिस भी जरूरतमंद व्यक्ति को आवश्यकता है वो हमारे पास कॉल करके आईडी के साथ अपनी कोविड रिपोर्ट भेजे, संस्था उनके घर पर खाना जरूर पहुंचाएगी। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट।